हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। हमें जो टर्म दे रखी है इनको मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे बात की जब फर्स्ट पार्ट की, यहाँ दे रखा है 7 × 3/5। पहले मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 = 21/5 कर दिया। अगर किसी सेम टेबल से अगर ये कट रही हो तो काटो, नहीं कट रही है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका, 5 × 4 = 20, कितना बच गया 1। पहले 4 को लिखना है, लाइन खींचनी है, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो नीचे, ये होगी मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? सेकेंड पार्ट, 4 × 1/3, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। 4 × 1 = 4/3, मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे, 4 में 3 का डिवाइड देना, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 1 बच गया। पहले 1 लिखा, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो नीचे, सेकंड हो गया। तीसरा देखो, 2 × 6/7, 2 × 6 = 12/7, 12 में 7 का डिवाइड देंगे, 7 × 1 = 7, कितना बच गया 5। 1 यहाँ लिखा, 5 ऊपर आ गया, 7 नीचे हो गया, ठीक है। चौथा पार्ट देखो, 2/3 × 4, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, 4 × 2 = 8, नीचे 3 × 1 = 3, 8 में डिवाइड देंगे 3 का, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर बच गया 2। जो हमारा क्वेश्चन था वो 2 लिखना है, रिमाइंडर ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो नीचे, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो, अच्छा ये हमारा था फिफ्थ पार्ट ही था ये, तो फोर्थ पार्ट हमारा रह गया। फोर्थ पार्ट अब देख लो, 5 × 2/9, नीचे कुछ नहीं, मन मान लिया, 5 × 2 = 10/9, 10 में डिवाइड देंगे 9 का, 9 × 1 = 9, रिमाइंडर 1 बच गया। जो क्वेश्चन था वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर बच गया वो ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो नीचे आ जाएगा। फोर्थ हो गया, फिर हाँ फिफ्थ हो गया। अब डिस्कस करेंगे सिक्स्थ पार्ट, 5/2 × 6, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, 5 × 6 = 30, डिवाइड बाय 2, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, अगर जा रहा है तो कर देना है, 2 का डिवाइड दे 15, 2 × 1 = 2, ठीक है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब मिक्स फ्रैक्शन तो देखो, ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाया जा सकता जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। क्यों? 15 में 1 का डिवाइड देंगे, आंसर कितना आएगा 15 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा इसके अंदर। सेवन्थ पार्ट, इसमें दे रखा है 11 × 7/4, तो 4/7 है, 4/7, 11 × 4 = 44, डिवाइड बाई 7, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। फिर वही 7 × 6 = 42, 2 बच गया, 6 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर जाएगा ऊपर, जिसका डिवाइड दिया वो आ जाएगा नीचे, सेवन्थ पार्ट हो गया। एट्थ पार्ट देखो, 20 × 4/5, नीचे कुछ नहीं, 1, 24 × 80, 80 में डिवाइड देंगे 5 का, ठीक है, देखो दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है तो कर दो, लोएस्ट फॉर्म बना लो इनकी, 5 में इसका डिवाइड दिया, 5 में इसका डिवाइड दिया 1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे 16 ही आंसर आएगा, ये हमारा 8th पार्ट हो गया, ठीक है। 9th पार्ट देखो, 9 में दे रखा 13 × 1/3, नीचे कुछ नहीं, 13 × 1 = 13/3, 13 में डिवाइड देंगे 3 का, 3 × 3 = 12, 1 बच गया। क्वेश्चन भी लिखा, जिसका डिवाइड दिया ऊपर, डिवाइड दिया वो उसके नीचे आ जाएगा। 10th पार्ट, 15 × 3/5, 15 × 3 = 45, दोनों में डिवाइड जा रहा 5 का, 5 × 9 = 45, 5 × 5, 9 में 1 का डिवाइड देंगे 9 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। जितने भी सर्कल है इसका 1/2 हमें करना है शेड, ठीक है, 1/2 × में जितने भी सर्कल है वो, तो सर्कल कितने हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 12, 12 × 12 डिवाइड बाई 2, 2 में इसका डिवाइड दिया कितना आया 6, तो हमें 6 को क्या करना है, शेड करना है, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए।
इसी का सेकंड पार्ट, बोला 2/3 ऑफ किसके, ट्रायंगल के, जितने भी ट्रायंगल उनका करना है हमें 2/3। तो ट्रायंगल काउंट करो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यहाँ 9 लिखा, 9 × 2 = 18, 18 में 3 का भार दिया कितना है 6, 6 को शेड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा पार्ट, 3/5 ऑफ किसके, स्क्वायर के, अब स्क्वायर कितने हमारे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 45 में 5 का भाग दिया कितना है 9, 9 को शेड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।